कॉपी के लिए एप्लीकेशन देने हैं, उस पीरियड को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इसके बारे में मैं अथॉरिटी आपको लिखवाता हूँ, पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 800। सेक्शन 12(4) टाइम रिक्विजिट ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द अवार्ड हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड वेयर एपिलांस हैड अप्लाइड फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अवार्ड बट देयर एडवोकेट वाज फर्निश्ड विद कॉपी ऑफ द अवार्ड वॉलंटरली बाय द एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट प्रोविजन सेक्शन 12(4) कुड नॉट बी प्रेस्ड इनटू सर्विस। इसका मकसद ये हुआ कि अगर आपको अवार्ड की कॉपी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड मिल गई है तो फिर 12(4) अप्लाई नहीं करेगा। ये 12(4) उस वक्त अप्लाई करता है व्हेन यू आर टू अप्लाई फॉर द कॉपी, बट व्हेन यू आर गेटिंग द कॉपी तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो अब इसका क्रक्स ये बना सेक्शन 12 का कि वो टाइम जब आप कंप्यूट कर रहे हैं तो पहला दिन एक्सक्लूड करेंगे, नंबर वन। उसके बाद जब आप उसको कंप्यूट कर रहे हैं तो जो टाइम आपको कॉपी लेने में खर्च हुआ है वो टाइम एक्सक्लूड करेंगे, और जब आप पीरियड को शुमार कर रहे हैं अवार्ड के लिए तो फिर अगर आपको अवार्ड की कॉपी फौरन मिल गई है तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा, फिर आपको एक्सक्लूजन ऑफ टाइम नहीं होगी, अदरवाइज होनी है। और फिर पाँचवें है कि आपने डेट कौन सी शुमार करनी, डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ प्रेपरेशन, इनमें दोनों में कौन सी सूरत आपको अवेलेबल है, वो सेक्शन 12 का सब सेक्शन 5 बता रहा है। तो नेक्स्ट इज सेक्शन 14।